माशाल्लाह से यहाँ ये मैंने ज्वेलरी ली, मेरी मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनम गुड लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और अब सहरी का टाइम है और आज का व्लॉग मैं सहरी के टाइम से शुरू कर रही हूँ। और आज फ्राइडे है और लास्ट रोटा है और रमज़ान गुजर गया, हमें पता भी नहीं चला। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि पूरा रमज़ान हमने जो भी अबातें की और दुआएँ मांगी, अल्लाह ताला सबकी अबातें और दुआएँ कबूल फरमाए, आमीन। तो सहरी का टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है, तो चले चलते हैं और बाहर जाके मैं रोज़ा रखती हूँ। सहरी में आज हमने भिंडी गोश्त बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा रख लिया और नमाज भी पढ़ लिया और अब मैं सोने लगी हूँ। और तो सुबह मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इफ्तारी कर ली है और माशाल्लाह से अब चांद रात शुरू हो चुकी है और मैं चांद रात पर मेहंदी लगाने के लिए जा रही हूँ लिबर्टी मार्केट। तो चले चलते हैं और लिबर्टी मार्केट में मिलते हैं। बाहर बहुत रश है जिसकी वजह से इतनी देर लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिबर्टी मार्केट पहुँच गई हूँ और चांद रात मनाने के लिए, और माशाल्लाह से और भी बहुत से लोग आए हैं यहाँ चांद रात मनाने के लिए। तो चले चलते हैं और मैं आपको यहाँ की रौनकें दिखाती हूँ। ये देखिए, हर तरफ मेहंदी लगाने वाली लड़कियाँ बैठी हुई हैं और वो मेहंदी लगा रही हैं। इसके पास हर कलर की ज्वेलरी थी बट ये बहुत एक्सपेंसिव दे रहा था, तो फिर इसलिए मैंने इतनी नहीं ली। यहाँ पर हर कलर आप कोई भी ले सकते हैं। ये कितने की है? ये कितने की है? 600 की। ये खूबसूरत बना। ये बालों पे लगाने वाला एक पिन थी और ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसके पास सब कुछ बालों पे लगाने वाला था। और ये रिंग है और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। और ये भी बालों पे लगाने के लिए है। इसकी क्या प्राइस है? ये 1300 में, पत्थर वाले में है। इनके पास चूड़ियों का हर कलर था और आप कौन सा कलर का उसका सेट बना देते हैं। मुझे ये पसंद आया तो उसने मुझे ये बना दिया। मैंने मुनासिब प्राइस बताई है, इसकी प्राइस तो 1200 है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसलिए मैं ये ले रही हूँ। माशाल्लाह से सब अपने अपनी शॉपिंग में मसरूफ हैं। और ये देखें, और ये देखें इस तरफ मेहंदी लग रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये चप्पल है, मैंने चप्पल देखी, मुझे चप्पल अच्छी लगी तो मैंने चप्पल ले ली। उनके पास ब्लैक कलर भी था लेकिन मैंने ब्लैक नहीं लिया। अब मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने चना चाट ले ली। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कुछ है और हर कलर का इनके पास है, लेकिन बहुत हार्ड था जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हर तरफ यहाँ पे रौनक ही रौनक है। एक्चुअली जब मैं आई थी तो तब यहाँ पे इतना रश बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे ही अफ्तारी के 2-3 घंटे गुजरे हैं और यहाँ पे रश ज़्यादा हो गया। फाइनली फिर मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई और वो मुझे कह रही थी कि आप नेट से देख के कोई डिज़ाइन बता दें मुझे, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं, आप अपनी मर्जी से ही कोई भी डिज़ाइन बता दें। ये देखें फाइनली मेरी मेहंदी कंप्लीट हो रही है और कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह से मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है
और देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी बहन कैसी लगी। चूड़ियाँ देखिए हर तरह की मोतियों वाली जो श्रीमती हर तरह के अवेलेबल है और ये गिफ्ट के लिए था। और खुशों को हर एक को मैं हाथ लगा कर देखती हूँ और डन ये ज्वेलरी हर टाइप की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। अब्दुल्ला मैं लिबर्टी मार्केट पहुंच गई हूँ और चांद रात मनाने के लिए और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत से लोग आए हुए हैं चांद रात मनाने के लिए। तो चले चलते हैं और मैं आपको यहाँ की रौनक दिखाती हूँ। चांद रात है तो इसलिए सबका मेहंदी पे और चूड़ियों पर ही फोकस है और ज्वेलरी पर। और ये देखें विग भी है आप कौन सी मर्जी चाहे दे सकते हैं। जब मैं आई थी यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे पास रेड कलर की नेल पॉलिश नहीं थी तो मैं रेड कलर की नेल पॉलिश लेने आई हूँ और ये देखिए फाइनली मुझे मिल गई है। और जो मैंने चांद रात पर ज्वेलरी लिया मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये मैंने ज्वेलरी लिया एक ये कड़े हैं हाथ में पहनने के लिए, इसके अलावा ये देखें। और एक मैंने ये लिए और ये देखें इसके अलावा इसके लिए मैंने और ये देखें ये ब्लैक कलर नहीं है ये पर्पल कलर का है इसलिए मैं ये लिया। दो दो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। एक मैंने ये लिया आप किसी भी कपड़ों के साथ डाल सकते हो इजीली। और मैंने ये लिखे और ये मैंने रिंग लिए। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।